माफीचहा तनी जाना ये सितंबर महीने का जो वीडियो आ है ये बीचे में रुक गया है ठीक बाय ते आगे शुरू करोता नहीं क्वेश्चन मेरा क्या रहा है अच्छा अरे इस समग्र चिन्मय का नाम आयल वही बना ये वीडियो आ रुक गयी पता ना कहाँ हो गयी ले इकरा यो भाव खाई लायक लगा चुका कहाँ गोयलु भाई कहाँ तक तो पहले रनी है इसमें समझे नहीं क्या बहुत एक मिनट एक मिनट हाँ क्वेश्चन हमर कहा था इसमें हाँ यहाँ तक तो पहले नहीं है ठीक बाय कहा था उपग्रह दो नए पर्यवेक्षक उपग्रह सियान चौदह और सियान पंद्रह लॉन्च किया है कौन सा देश कोई ले बाय तो चमकादर चिन्म के द्वारा कर एक नाम आबे के बाद का होलक तो हम यहाँ से रुक चल आगे देखो तानी रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया गया है तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया ठीक है कहता कि ए एस आई ने किस राज्य के बांधवगढ़ में बीस बौद्ध गुफाओं की खोज किया है तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ए का पूरा नाम होता है थोड़ा तो तेजी में देखेंगे क्योंकि और इसका जो वीडियो था वहाँ सा कता है गुजरात में शुरू हुए छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाह कौन रही है तो अनु रानी रही है ठीक है कहता है कि भारत के सोलहवें महान्यायवादी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं तो आर वेंकट रम रमणी को इससे नियुक्त किया गया है यह महान्यायवादी है छपने वाला क्वेश्चन है अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो लेजिस्लेटिव जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है इससे पहले कौन किनका था बिपिन बिपिन रावत थे ना कथा किस राज्य पहला मतलब कि सी जो थे वो बीपिन रावत ही थे किस राज्य की विधान परिसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है तो त्रिपुरा का दौरा किया गया सुपर फास्ट देखेंगे सुपर फास्ट में अभी चलेगा ठीक है बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं कता कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है तो विनायक गोडसे को किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है तो उत्तराखंड के हुरैन इंडिया अंडर चालीस रिच लिस्ट में कौन शीर्ष कौन शीर्ष पर रहे हैं तो निखिल निखिल कामत जो है ये शीर्ष पर रहे हैं ठीक है कहता है कि ए, तीस सितंबर 2022 को अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया है तो ये राजस्थान में शुरू किया गया है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो शैलेंद्र सिंह आनंद मिलिंद और कुमार सानू को 2022 को जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है तो स्विट्जरलैंड भारत का स्थान जो है ये चालीसवाँ है किस राज्य सरकार ने बुंद बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया है टाइम पत्रिका की सौ उभरते नेताओं की सूची में एक कि किस एकमात्र भारतीयों को शामिल किया गया है ताकाश अम्बानी को शामिल किया गया है किस राज्य की पुलमपरा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है तो येरल केरल केरल की है ठीक है सीबीआई ने यानी सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है तो ऑपरेशन गरूर शुरू किया गया है किसके द्वारा तो सीबीआई के द्वारा एक आता है गरूर ऐप जो आया था ये किसके लिए कौन कौन जारी किया था भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये जारी किया गया हुआ था कल बताए हुए थे यू एन एक्शन अवार्ड्स में गेम चेंजर पुरस्कार किसने जीता है तो सृष्टि बक्सी के द्वारा जीत लिया गया है ठीक है यहाँ से हमें दो तीन और जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको कवर कर रहे हैं तो संयुक्त सैन्य अभ्यास मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टाइगर ट्रंप अभ्यास 2022 जो हुआ भारत और अमेरिका के बीच में हुआ भारत और अमेरिका के बीच हुआ कहाँ हुआ तभी विशाखापट्टनम में हुआ थल सेना का अभ्यास है जाइमेक्स जो हुआ जापान भारत और जापान बंगाल की खाड़ी काकाडू अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तो ये जितना है ये सब इम्पोर्टेंट है टाइगर ट्रंप जाइमेक्स काकाडू वोस्तोक उदार शक्ति वरज प्रहार विन वैक्स युद्ध अभ्यास अल नजा समुद्री साझेदारी सी गार्जियन एक संप्रीति आरतीसमा जो है इन ये मतलब कि इंडिया इंडो कॉरपोरेट भारत इंडोनेशिया यहाँ तक बाल्टोप्स जो है बहुपक्षीय है तो जाइमैक्स जो है ये किसके बीच में है तो देखिए जापान और भारत के बीच में नाम में ही है तो बंगाल की खाड़ी में हुआ काकाडू भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इम्पोर्टेंट है वो स्टॉक बहुपक्षीय अभ्यास था जो रशिया में आयोजित किया गया थल सेना का था उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच मलेशिया में हुआ वायुसेना का युद्ध अभ्यास है वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच कहाँ हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में थल सेना का विन बैक्स भारत और वियतनाम चंडी मंदिर हरियाणा अल नजह भारत और उमाल के बीच राजस्थान के समुद्री साझेदारी अभ्यास जापान के बीच अंडमान सागर में सी गार्जियन भारत और ची सी गार्जियन ये चमगादर के बीच में फिर आ गया नल्ला पाकिस्तान चमगादर चीन फिर आया यहाँ तो चीन और चम पाकिस्तान के बीच में है ये कहता कि एक्स चमप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है एक भारत और बांग्लादेश और अड़तीसवां इंडिया इंडो कॉरपेट जो है भारत और इंडोनेशिया बाल्टॉप्स बहुपक्षीय सोलह देशों के बीच ये बाल्टॉप्स यानी कि बाल्टिक सागर से ही है खान क्वेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह बहुपक्षीय है मंगोलिया में इस ये हुआ ठीक है बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश कॉरपेट का चौथा जो हुआ युद्धाभ्यास दो हज़ार बाईस में भारत और बांग्लादेश के बीच इसके बाद में इसमें देखिए नौमा खंजर है भारत और किर्गिस्तान यहाँ से इम्पोर्टेंट जो बता देते हैं सिर्फ जो दो देश याद रखिएगा खंजर है भारत किर्गिस्तान वरुण भारत फ्रांस बालिकतन भारत पे, अमेरिका फिली फिलीपींस दस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान इम्पोर्टेंट लामिति है भारत और सेसेल्स से, सिलीनेक्स से सिर, भारत श्रीलंका धर्म गार्जियन भारत और जापान मिलन बहुपक्षीय कोबरा बहुराष्ट्रीय उसके बाद कथा पश्चिमी लहर क्या है ये तीनों सेनाओं का जो तटरक्षक बल है ये चीरू का है रूस चीन ईरान का है ओमान की खाड़ी में पैसेक्स जो है भारत और रशिया के बीच औरब सागर के कोचिन बंदरगाह पर सी ड्रैगन भारत कनाडा दक्षिण कोरिया एक जो है भारत और मालदीव के बीच का है दोस्ती भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच का है सीटमैक्स भारत सिंगापुर और थाईलैंड में ही है नाम में ही है इसका एस आई टी मतलब कि सिंगापुर इंडिया थाईलैंड शक्ति क्या है भारत और फ्रांस के बीच है अजय वॉरियर जो है भारत और यूके के बीच में है ठीक है मित्र शक्ति जो है ये है भारत और श्रीलंका के बीच में है नवगठित जांच समितियां जो है यहाँ से भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ए आर दबे समिति तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामले के निगरानी हेतु इनका किया गया है प्रदीप नंदराजोग समिति डिफ़ॉल्टर से पैसे वसूली के लिए किया गया है जो डिफ़ॉल्टर जो पैसा लेकर के नहीं चुका चुका पाते हैं प्रदीप नंदराजोग समिति है प्रधानमंत्री के पंजाब के दौरे के सुरक्षा चूके की जांच के लिए कौन इसका जो जांच के लिए समिति का जो किया गया था अध्यक्षता इसका अध्यक्षता किसके द्वारा तो अध्यक्ष जस्टिस इंदू मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट ठीक है एक किस सुप्रीम कोर्ट कहाँ की मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ये उसके बाद में कहा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थी उसके बाद में कहा था सुधीर कुमार सक्सेना मतलब कि होम मिनिस्ट्री लखीमपुर खीरी घटना की जांच के हेतु समिति तो प्रदीप श्रीवास्तव टीडीसी बस प्रक्रिया की जांच के लिए जांच हे, के हेतु समिति ओ पी अग्रवाल लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु जो समिति है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक सौ जयंती हेतु समिति पीएम नरेंद्र मोदी पचहत्तरवीं जो वर्षगांठ हुआ इसके लिए भी मोदी ही था टीआरपी आकलन के लिए शशि शेखर वेम्पति ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय काफ़ी ये चर्चा में था का हुआ भाई बा शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में से सुधार हेतु समिति राजीव कुमार तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति के भी का मत स्वतंत्रता सेनारियों के कल्याण के लिए जी किशन रेड्डी इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं पराली का जो इम्पोर्टेंट है पराली जलाने पर रोक संबंधी संबंधित इसे क्या होता है पंजाब हरियाणा में क्या जब पराली जलाया जाता है तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है तो रोग के लिए इसे भूमि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी ह्रास होती है कोविड नाइन्टीन वैक्सीन हेतु गठित भारत पैनल का अध्यक्ष ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस आर शर्मा है अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु राष्ट्रीय खेल 2020 चयन समिति मुकुंद शर्मा के द्वारा मुकुंद कम शर्मा के द्वारा कोविड नाइन्टीन प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति डॉक्टर एस के रे, एस रेड्डी बी एस चौहान समिति विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु ड्रग रेगुलेटरी एक, एक मिनट रुक जाइए रुक जाइए सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है थोड़ा थमिए थमिए एक मिनट देखने दीजिए कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हज़ार बीस हाँ ये इम्पोर्टेंट है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ये हाँ इम्पॉर्टेंट कीजिए उसके बाद में ई गो मंत्री का समूह रुक जाइए इसको छोड़िए आयुध निर्माणी के निगमीकरण के लिए है ना ना ये इम्पोर्टेंट है तनका देख लीजिएगा ई गो मंत्री का समूह आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की जो निगरानी हेतु इसका अध्यक्ष है राजनाथ सिंह है तो ये इम्पोर्टेंट है प्रणव सेन समिति जो है ये छोड़िए मिहिर सेन सुरजीत तो भला छोड़ दीजिए अमिका अमिताभ कांत है ट्रेनों को कहा था कि निजी हाथों में दे दीजिए किरण रिजिजी दो और चौबीस के ओलंपिक की तैयारी के लिए ठीक है इधर देखा जाए नई शिक्षा नीति दो हज़ार बीस तो ये कुछ पुराना अब हो गया तो उनतीस जुलाई 2020 हज़ार बीस को ये 2020 हज़ार को मानव संसाधन समय विकास मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा घोषणा किया गया था ये इम्पोर्टेंट कि बस इसमें क्या है कि मई दो राष्ट्रीय दो का ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो देख लिए थे टेन प्लस टू के जगह इसमें याद रखिए फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर ये इम्पोर्टेंट है और पहला राज्य जो था हिमाचल प्रदेश था और दूसरा जो था ये मध्य प्रदेश था दोनों में प्रदेस प्रदेश है एगो हिमाचल था एगो मध्य था कह रहा है कि 11 अगस्त दो उनाई, को जम्मू कश्मीर राज्य का विशे से, विशेष दर्जा समाप्त कर धारा तीन सौ और पैंतीस को हटा दिया अब भैया तो कब का हटा दिया अभी तक तो का क्वेश्चन बनेगा रुको इसमें कहता है कि उस समय जब हटाया गया तो सतपाल मलिक वहाँ के राज्यपाल थे और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दू गो में मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया और उस पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे अभी वर्तमान में किस पद पर है बताइए और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल जो थे राधा कृष्ण माथुर बने थे ठीक है जो लद्दाख के शायद अभी भी राधा कृष्ण माथुर है या कौन है देखना होगा ध्यान में ना है देख लीजिएगा ये नीति आयोग कह रहा है कि एक जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया ठीक है गैर संवैधानिक निकाय है क्वेश्चन तो यही बनता है एक जनवरी 2015 भी इम्पोर्टेंट है अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है और बिंद पनगढ़िया थे और सी इसका जो सी सिंधु श्री खुल्लर थे ठीक है नीति आयोग का यह काम है एग्जाम में खाली क्वेश्चन बनता है दो नंबर लेके आपको दबा देता है जीएसटी का पूर्ण रूप जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है एक जुलाई से जीएसटी दिवस मनाया जाता है इम्पोर्टेंट है एक सौ एकमाच संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया दुयो को याद रखिए ज़्यादा मत था पच्चीस में मत कीजिए अतः कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो होता है आई जो होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो उन्नीस उनेश्च जिनेवा में गिलबर्ट हैंगबो इसका जो महासचिव है गिलबर्ट हैंगबो इंटरपोल उन्नीस लियोन से इसका जो है नासर अल रईसी है ठीक है एक इसमें सदस्य है किरीबाती एक सदस्य सो है आई का एक सौ गो था तो एक सौ जो था ये टोंगा है कॉमनवेल्थ उन्नीस सौ में स्थापित हुआ था लंदन में है पेट्रीसिया स्कॉटलैंड चौवन सदस्य है चौवनवा मा इसमें मालदीव है इम्पोर्टेंट है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उन्नीस में न्यूयॉर्क में मुख्यालय है एंटोनियो गुटेरेस इसका जो है महासचिव है एक सौ तिरानवे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल सदस्य है तो दक्षिणी सूडान जो होता है इसमें पहले स्थान मतलब कि अंतिम स्थान जो है एक सौ तिरानवा सदस्य जो है ये दक्षिणी सूडान है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आई एम एफ यानी कि इंटरनेशनल मोनिट्री फंड 1945 में इसका स्थापना किया गया वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है डेविड मलपास अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है एक मतलब इसमें इसमें जो है एक इसमें आई एम एफ में तो टोटल सॉरी एक मिनट डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के है वो हम सोच रहे थे कि कही कहीं ना कहीं गलत हो रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी सी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसका जो है ये मतलब कि इसका अध्यक्ष है एक सौ नब्बे इसमें सदस्य है एक सौ नब्बे जो सदस्य ये अंडोरा है नब्बे में कैसे लिखते हैं अंत में नौ लिखते हैं तो ये अंडा हो गया तो अंडा से अंडोरा हो गया और वर्ल्ड बैंक में टोटल जो है वन एट नाइन है तो नौ से नौरू रू लिखते हैं नौ से नौरू हो गया नौ और नौरू रू एक सौ नौ नौ ठीक है वन एट नाइन इसमें है आई एम एफ में कितना है तो एक सौ नब्बे में है विश्व बैंक में उससे एगो कम है वन एट नाइन है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ का जो होता है हेडक्वार्टर रोम इटली में है पूछता है ये क्वेश्चन क्यू डोंगियो इसका जो है अभी अध्यक्ष है एक सौ संतानवे इसमें सदस्य है आई यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उन्नीस में द में नीदरलैंड में जुआन ई डोंगियो जो है इनका अभी प्रमुख या अध्यक्ष जो भी कहिए एक सौ चौरानवे इसमें सदस्य है यूनेस्को उन्नीस सौ पैंतालीस पेरिस आंद्रे अजोले इम्पोर्टेंट है ये एक सौ पंचानवे यूनेस्को में, में सदस्य देशों की संख्या है उन्नीस सौ पैंतालीस में स्थापना हुआ था साफ साफ बी एस एस सी के सिलेबस में लिखा हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ के न्यूयॉर्क में है कैथरीन रसेल इसका जो है कौन सा है अध्यक्ष है एक सौ इक्यानवे है यूनिसेफ में बी डब्ल्यू एच ओ में अभी जो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितना है तो एक सौ चौरानवे गो है उन्नीस सौ अड़तालीस में इसका स्थापना हुआ था जिनेवा में इसका मुख्यालय है टेड्रोस आधानोम जो है आधा दिमाग वाला आधा ये महासचिव है इसका दो हज़ार उन्नीस में जो चारों तरफ जो कोविड जो वायरस जब फैल रहा था तो जैसा जैसा चीन कहता था कि जो भी दिशा निर्देश देता था वही ये पालन किया करता था बहुत पहले लॉकडाउन लग गया होता हर जगह तो इतना मतलब कि क्षति नहीं होता तो ये टेड्रोस नोम है इसको तो अपना वो चाइना जो कहेगा वही पर था ये है अतः वो ई सी डी मतलब कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है इसका क्वार्टर पेरिस में है महासचिव माथियास कोर्मन है सैंतीस को इसमें सदस्य है इसको छोड़ सकते हैं है। इसकी कर सकते हैं नाटो इम्पोर्टेंट है अभी गर्म बस्ता में ये है नाटो का चर्चा भी काफ़ी हो रहा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है उन्नीस में है ठीक है ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेड क्वार्टर है इसका महासचिव जो है जेम्स एस्टोल्टेनबर्ग है तीस हुआ इसमें टोटल सदस्य है तो इसमें तीसमा जो है उत्तरी मशी है यू एन एच एच सी आर जो होता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त तो जो होता है रिफ्यूजी का जो होता है जिनेबा में और इसका जो अभी जो वर्ध उच्चायुक्त है फिलिपो ग्रांडी है एक सौ पैंतीस वो इसमें टोटल सदस्य देश है यूरोपीय यूनियन का उन्नीस में इसका है ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेड क्वार्टर है उर्सूला वन डेयर लियन जो इसका जो है अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष है सत्ताइस इसमें जो अभी सदस्य देश है और ब्रिटेन अब इसका सदस्य देश नहीं रहा यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन क्या है एग्जिट हो चुका है ब्रेगजिट जो देखा जाता था ना ब्रेग्जिट यानी कि ब्रिटेन का एग्जिट होना ही एक कहलाता था ठीक है ओपेक जो है ये तेरह गो है कतर और इक्वाडोर अरब बाहर हो गया है वियना में है हथमॉल चीज़ का मतलब कि अभी है ए, नाम का है जकार्ता इंडोनेशिया इलाहाम अलीब एक सौ बीस इसमें है एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्नीस सौ इकसठ में लंदन में है एग्नेस कैलमोड इसमें अभी जो है महासचिव है अंकटाड में जिनेबा में पड़ता है उन्नीस में अंकटाड का स्थापना हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका महासचिव जो है रेबेका ग्रेन एसपेन है कहता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है यू काफ़ी चर्चा में रहता है 1965 में न्यूयॉर्क में हेड क्वार्टर है अचीम स्टेनर इसका प्रमुख है अभी ए क्या है फिलीपींस मनीला 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक है मत्सुगु असकाबा है अड़सठ गो इसमें सदस्य देश है इंपॉर्टेंट है न्यू डेवलपमेंट एन डी का है 2014 हज़ार चौदह संघाई चीन मार्कोस रायजो है इनका अभी सब अध्यक्ष नौवां सदस्य इसका एन का कौन बना है अभी जल्द हाल फिलहाल में ही बना है तो मिस्र बना है इम्पोर्टेंट है ये नाम याद रखिएगा मिस्र का एन का नौवा सदस्य जो बना है मिस्र बना है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान होता है ठीक है इसमें जकार्ता में उन्नीस में इसका स्थापना हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वाटर है महासचिव लिम जॉक हुई है इसका कौन महासचिव है तो लिम जॉक हुई है दस इसमें सदस्य देश है उसके बाद कहता है दक्षेश में कितना सदस्य देश है तो दक्षेश में जो है जिसे सार्क बोला जाता है इसका क्वार्टर काठमांडू नेपाल में पड़ता है ठीक है इसका क्वार्टर जो है ये काठमांडू नेपाल में है ईशाला रूबन वीराकुन जो है इसका प्रमुख है अभी आठ वो सदस्य देश है इसमें भारत इसका जो सदस्य देश है उसका बाउंड्री भारत से ज़रूर लगता है तो देखिए जैसे कि अफ़गानिस्तान के लगता है बांग्लादेश का लगता है भूटान का लगता है भारत खुद है मालदीव है नेपाल है पाकिस्तान और श्रीलंका है तो ये दक्षेश में है उन्नीस सौ पचासी काठमांडू नेपाल इंपॉर्टेंट है इस साला रूबन विराकुन ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भूलिएगा मत जी पंद्रह का सदस्य देश है नाइनटीन एटी नाइन में इसका जो जी पंद्रह में अभी कौन सा है तो सत्रह गो देश है नाम है दो गो बढ़ा हुआ है विकासशील देशों का ये संगठन है छोड़िए जिनेवा में है इतना याद रखिए इप एक स्कीप सिंगापुर में याद रखिए यू यूनाइटेड नेशन व्यूमेन राइट काउंसिल जिनेवा स्विट्जरलैंड में है फिर फेरेडिको विलेगा से है डब्लू टी ओ यही तो इम्पोर्टेंट है नागोजी अंकोजा ईवेला ये क्वेश्चन सीडीपियो में पूछा हुआ था डब्लू टी ओ उन्नीस सौ पंचानवे में भारत उन्नीस सौ पंचानवे में ही इसका सदस्य देश बन गया था एक सौ चौंसठ वो अभी है एक सौ जो है अभी कौन सा है तो अफगानिस्तान है इम्पोर्टेंट ये हो जाता है उसके आगे कह रहा है कि अशियम का कौन है तो ये ब्रुसेल्स इसको उन्नीस सौ संतानवे में याद रखिए ढाका हेडक्वार्टर तेंजिन लेक फेल इसका है अभी सात वो इसमें है एस सी ओ का बीजिंग दो हजार एक में इसका हुआ था बीजिंग महासचिव झांग मिन चीन है नौवा सदस्य इसका ईरान बना है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई का है इंटरनेशनल अब क्रिमिनल कोर्ट जो होता है इसका जो है दहेग में ही है 124 को इसको छोड़िए आई सी इम्पोर्टेंट हो जाता है अफ्रीकी यूनियन का जो है अधिसाब इब्सा का है ये छोड़ सकते हैं ब्रिक्स का है संघाई चीन पांच इसमें है ठीक है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो होता है 2015 में इसका गठन हुआ था गुरुग्राम हरियाणा में महानिदेशक कौन था, था अजय माथुर 102 सौ दो इसमें सदस्य है एक सौ दोमा सदस्य कौन था तो एंटीगुआ और वारबुडा था तो सितंबर महीने का जो करंट अफेयर्स था उसको इस वीडियो में समाप्त कर दिया गया ठीक है इसके बाद में क्या होगा कि सितंबर से अब जो एक और मतलब कि डेली एक महीने का करेंट अफेयर्स और उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होगा पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है और दस क्वेश्चन आठ से दस क्वेश्चन करेंट से हर हाल में रहेगा और यहाँ जहाँ पच्चीस पचास क्वेश्चन जो जी का है तो इसमें दस क्वेश्चन समझिए कि आठ से दस क्वेश्चन जो होगा ये करेंट का ही होगा तो हर इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पढ़ना और इसके बाद में जो एस जो बिहार का जो एस है उसको भी ख़त्म करना है ठीक है उसमें भी पूरा मंथली जो होता है इम्पोर्टेंट जो है उसको भी बताएंगे क्योंकि बिहार से भी दो चार क्वेश्चन जरूर रहेगा ऐसा नहीं है कि बिहार से क्वेश्चन नहीं रहेगा हाँ बीपीएससी में थोड़ा डीपली रहता है उसमें अधिक रहता है यहाँ जो क्वेश्चनों की जो संख्या होती है ये आपको तीन से चार ही मिलेगा लेकिन एक एक नंबर सेलेक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है तो उसको भी तो कवर करना पड़ेगा तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए यहाँ से लगातार वीडियो आएगा तीस दिन तक ले आप निश्चिंत रहिए ठीक है मैथ का भी एक आध दो दिन के बाद से शुरू हो जाएगा और मतलब कि पी फॉर्म में ही मैथ को भी मतलब कि मैथ का भी वीडियो वहीं से बनेगा मैथ और रीजनिंग का जो नया नया जो क्वेश्चन अभी आ रहा है कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे बनाएं तो वैसा क्वेश्चन मतलब कि सर तैयारा भी कर रहे हैं कलेक्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत बिजी है अभी सर भी जो कोचिंग पढ़ा रहे थे इधर उधर जो अभी जो कोचिंग था उनका जो चल रहा था ट्वेल्थ का एलिवेंथ का तो सब मतलब कि टाइमिंग का थोड़ा मतलब कि लोचा हो गया है क्योंकि डी का आदेश है कि नौ से लेकर के शाम पाँच चार बजे तक पाँच बजे तक कोचिंग कराना नहीं है तो सभी टीचर अभी थोड़ा अस्त व्यस्त हो गए हैं लगातार मीटिंग चल रहा है तो हो सके तो एक दो दिन के बाद जो आपका जो वीडियो है वो मैथ और रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आएगा आप निश्चिंत रहिए ठीक है और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हम जरूर कह रहे हैं कि इसको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए यहाँ के बाद क्या होगा कि जैसे ही एक एक सब्सक्राइबर इस चैनल पर पूरेगा ठीक है तो अभी तो मतलब कि जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसको मतलब कि सुपर फास्ट में बता रहे हैं तो उसको मतलब कि डिस्कस नहीं कर रहे हैं शुरू शुरू में एक दो वीडियो हम इस पर बनाए थे तो वहाँ मतलब थोड़ा मतलब कि हमें भी परेशानी हुआ मतलब कि नहीं सही से बन पाता था उसको एडिट करने के लिए सारा कुछ मतलब कि नहीं हो पाता था तो स्मार्ट बोर्ड पर भी हम रणनीति रह बना रहे हैं कि हो सके तो एक स्मार्ट बोर्ड मतलब कि एक स्टूडियो बनाए और कंटिन्यू मतलब कि हर टॉपिक को हर चैप्टर को मतलब कि स्पेशलिस्ट के द्वारा मतलब कि कोई मतलब जो विषय मुझे नहीं पता है तो उनका जो टीचर हो उनसे रख करके पढ़वाया जाए और एकदम बिल्कुल फ्री में ठीक है और फुल्ली डिटेल्स के साथ जो भी कुछ होगा जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट जैसे कि ज्योग्राफी हो गया इतिहास हो गया मॉडर्न मतलब कि आधुनिक इतिहास हो गया तो वो सब अच्छी तरह से हम बता सकते हैं ठीक है हाँ थोड़ा साइंस में जो होता है का दो जगह मतलब कि साइंस मेरा भी थोड़ा वीक है लेकिन हम सोचते हैं कि आपका जो अभी एग्ज़ाम नज़दीक में है तो कम से कम आपका रिविज़न तो हो वो मतलब कि आपका नहीं मतलब कि रुके एक दिन में दस पेज पंद्रह पेज का रिवीजन कम से कम माइंड में तो क्वेश्चन रहेगा वहाँ जो क्वेश्चन आपके जो आंखों के सामने जब आएगा तो कम से कम क्या होगा कि वहाँ तो मतलब कि ऑप्शन चार ऑप्शन देखिएगा तो उसमें से सही है ऑप्शन पर तो आप पहुँच जाइएगा ना ठीक है तो चलिए अपना ख्याल रखिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में धन्यवाद